1.5.2 प्रजातियां आखिर क्या है? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे, कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलाबबांस, कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। आखिर ऑस्ट्रेलिया के जानवर इतने अलग क्यों होते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अद्भुत जानवर स्पीसिएशन यानी प्रजातिकरण प्रोसेस के जरिए कैसे बनते हैं। स्पीसिएशन वो प्रोसेस है जिसमें इवोल्यूशन यानी क्रमागत विकास की श्रृंखला के दौरान नए और विशिष्ट प्रकार के जीव बनते हैं। आज सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन लाखों साल पहले पेंजिया नाम का सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे सभी कॉन्टिनेंट्स का सेपरेशन शुरू हो गया। जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दूसरे सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गया तो उसके प्लांट्स और एनिमल्स भी दूसरे कॉन्टिनेंट की स्पीशीज से अलग हो गए। प्लांट्स और एनिमल्स का यही आइसोलेशन नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बना। कॉन्टिनेंट्स के आइसोलेशन ने स्पीशीज को अलग अलग जीन्स वाले दो पूल्स में बांट दिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सी बैरियर होने के कारण प्लांट और एनिमल्स अपनी स्पीशीज की दूसरी पॉपुलेशन से अलग होते गए। अब नए जीन्स पूल्स के लिए क्लाइमेट, फूड और कॉम्पिटिशन जैसी कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। इसे स्पीसिएशन में दूसरा की पार्ट माना जाता है। जो प्लांट्स या एनिमल्स नई कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए उनकी डेथ हो गई, जबकि जिन्होंने नई कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया वो बच गए। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में जीन्स पूल्स समय बीतने के साथ चेंज होते गए, जिसके चलते स्पीशीज पीछे छोड़े गए स्पीशीज से भिन्न होते गए। स्पीसिएशन का ये तीसरा स्टेप था। इवेंचुअली स्पीशीज में इतना ज्यादा अंतर आ गया कि आइसोलेटेड स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग बंद हो गई, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। ये स्पीसिएशन का फाइनल स्टेप है। ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज के अलावा मेडागास्कर का लीमर और बाओबाब जैसे कई एग्जांपल्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हो गए थे। फेमस जॉइंट टर्टल्स और यूनिक कॉर्मोरेंट्स यानी जल काग साउथ अमेरिका से अलग हुए गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाते हैं। इनके पूर्वज यहाँ या तो उड़ के आए थे या तैर के, या फिर सबसे करीब के कॉन्टिनेंट से राफ्ट यानी बेड़े के जरिए यहाँ आए थे। इन स्पीशीज की अपनी विशिष्टता है। इंसानी या प्राकृतिक कारणों से इनके अलग एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो ये विलुप्त हो सकती हैं। जब ह्यूमंस ने तस्मानियन टाइगर के हैबिटेट में घुस के इनका शिकार करना शुरू किया तो ये विलुप्त हो गए। तो ये फिजिकल बैरियर्स के कारण होने वाले स्पीसिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। सेम स्पीशीज के मेंबर्स भी बायोलॉजिकल और बिहेवियरल बैरियर के कारण एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अलग अलग जगहों में रहने के कारण सेम स्पीशीज की बर्ड्स में समय के साथ डिफरेंट मेटिंग रिचुअल्स यानी समागम की अलग पद्धति विकसित हो जाती है, और इसलिए फीमेल्स सिर्फ उसी जगह के मेल्स के रिचुअल्स की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग जगहों में रहने वाले जीवों को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस या फूड प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, और इसलिए उनका मेटिंग सीजन अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। इस तरह की घटना नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले टोड्स के साथ देखने को मिली है। समय के साथ इन दोनों का ही स्पीसिएशन हुआ, जिसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के रूप में जाना जाता है। तो याद रहे, दुनिया भर के जानवरों और वनस्पतियों की अद्भुत विविधता स्पीसिएशन प्रोसेस की वजह से है।